श्रम साधना श्री कृष्णदास जादू लिखित इस वैचारिक ग्रंथ के बारे में जानकारी लेंगे। श्री कृष्ण जादू जी का जन्म 1882 आकाशवर राजस्थान में हुआ। उनका मृत्यु 1995 जयपुर राजस्थान में हुआ और 1920 में गांधी जी के संपर्क में आए। उनकी प्रमुख कृतियां समाज प्राप्ति में सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान। इस वैचारिक निबंध में जादू जी ने श्रम के प्रति प्रतिष्ठा रखने के अपने अनमोल विचार रखे हैं। वो 1920 में गांधी जी के संपर्क में आए और उसी समय देश सेवा में जुट गए। प्रस्तुत श्रम साधना इस वैचारिक निबंध में जादू जी ने प्राचीन काल से आज तक समाज में जो प्रथाएं थी, जैसे कि गुलामी की प्रथा, राजा बादशाहों की प्रथा, और प्रथा किस प्रकार मिटकर सामान्य लोगों के हाथों में लोकशाही स्वरूप ये सत्ता आ गई और उससे लोगों का किस प्रकार विकास हुआ, इसके बारे में भी जिक्र किया है। उसी प्रकार इस पाठ में संपत्ति किस प्रकार पुराने काल में, काल से लेकर आज तक के काल में किसी एक वर्ग के हाथ में संपत्ति आ गई, जिसके कारण समाज में बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विषमता निर्माण हुई। उसमें दो घट हुए, व्यापारी पूंजीपतियों का और मजदूरी करने वाले लोगों का। उसी प्रकार इस पाठ में जादू जी ने श्रम के प्रकार बताए हैं, उसमें शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम। उसी प्रकार ये जो विषमता है समाज में, उस विषमता को गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से किस प्रकार मिटाया जा सकता है, इसका भी इस पाठ में गांधी इस वचन निबंध में जादू जी ने एक